तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। समर्थ बना दिया, हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना। ओम शांति। तपस्या का 16वां दिन, आज का समान, सर्व बंधनों से मुक्त मैं डबल लाइट आत्मा हूं। सर्व बंधनों से मुक्त मैं डबल लाइट आत्मा हूं। अव्यक्त मुरली, 24 अप्रैल 1983। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्केपन की निशानी क्या है? क्या निशानी? हाँ, खुशी और उड़ना और उमंग उत्साह और लाइट और बोझ नीचे लाता है। हल्का सदा उड़ता रहेगा, सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते रह तो नहीं गए हैं, बस एक बाप एक की याद का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल तक पहुंचो। तो मुरली है 24 अप्रैल 1983। क्या कहा? सदा डबल लाइट, और इस डबल लाइट में सबसे पहला फ्रीडम, मुक्त। मुक्त कहाँ तक हुए हो? किससे? बंधनों से, बोझ से। दूसरा हल्कापन,
लाइटनेस, तीसरा उड़ान, फ्लाइट, क्योंकि जो मुक्त हुआ है और जो हल्का है वही परवाज भर सकता है, उड़ान भर सकता है, सरेंडर। सरेंडर की क्या परिभाषा थी पिछले संडे की मुरली में? दो परिभाषाएं थी, दो या तीन थी। पहला श्रीमद के अंडर, और दूसरा जिस किसी ने दिल से कहा मेरा बाबा वो सरेंडर, और जिसकी फोटो कहाँ है? बाप के दिल में। पांचवा क्या सुना अभी? एक ही रास्ता, ओनली वन वे। कौन सा रास्ता है वो? एक याद का रास्ता। आज सुबह की साकार मुरली है। सबसे प्यारे थे प्यारी वस्तु कौन सी है? बाबा। तो डबल लाइट अर्थात पहली शर्त है मुक्ति। किससे मुक्ति? बंधनों से मुक्ति। किससे मुक्ति? व्यर्थ से मुक्ति, निगेटिव से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। किससे मुक्ति? कमजोरियों से मुक्ति। किससे मुक्ति? राग और द्वेष से मुक्ति। किससे मुक्ति? सारा पुरुषार्थ ही मुक्ति का है, मुक्त हो जाना। क्योंकि बंधन में क्या है? क्या है? बहुत पीड़ा है। एक मुजरिम, एक अपराधी या एक व्यक्ति जिसको बेड़ियों से बांध रखा है 25 साल से, शायद वो वहां रहते रहते ये भी भूल जाता है कि कभी मुक्ति भी होगी। अंधेरा ही उसको क्या होने लगता है? अच्छा लगने लगता है, अंधेरे से मोह होने लगता है। अगर बेड़िया अचानक खोल दी जाए तो बेचैनी आती है। क्यों? बेड़िया चाहिए, क्योंकि बेड़ियों से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अंधकार मई जीवन हो गया और अंधकार की ही आदत पड़ जाती है। ये भी बंधन का एक स्वभाव है, बंधन की आदत पड़ जाती है। बंधन में संस्कार है, बंधन में रहने का। अगर खोल भी दिया जाए दरवाजा, जैसे कई बार सुनाया है फ्रांस की जो क्रांति थी, खोल दिया था क्रांतिकारियों ने, परंतु फिर आ गए रात को सारे कैदी, लौट कर आ गए क्योंकि बेचैनी हो गई, बेड़िया कहाँ है हमारी। तो बंधन में क्या है? संस्कार है, बंधन में ही रहने। और बंधन में बड़ी सुविधा मालूम पड़ती है। और क्या है बंधन में? दुख है, निराशा है, अवसाद है, अधीनता है। बंधन में अधीनता है। वो बंधन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। स्वावलंबन, बंधन किसी और को ढूंढता है, वस्तु को, व्यक्ति को, सेवक को, सेवाधारी को, दास को, ब्राह्मणी को, वो भी बंधन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़ा नाम है बंगाल साहित्य में और समाज सुधारकों में, जिन्होंने स्त्री मुक्ति के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। विधवा पुनर्विवाह, यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी भी किसी विधवा से कराई। उनके जीवन में उल्लेख है, बंगाल के किसी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर वो खड़े थे जहाँ भीड़ बहुत कम थी, और एक जवान, एक नवयुवक ट्रेन से उतरता है। उसके हाथ में एक संदूक है, वो एक कूली ढूंढ रहा है, बहुत परेशान होता है, एक भी कूली नहीं है। वो स्वयं अच्छा है, जवान, हट्टा कट्टा। तो पीछे से देखता है एक
धोती कुर्ता पहनकर एक व्यक्ति आ रहा है, उसको लगता है ये कूली है और उसको कहता है ये सामान ले लो, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो व्यक्ति उस सामान को, उस संदूक को उठाता है और स्टेशन के बाहर तक ले जाता है। और फिर जब वो व्यक्ति कहता है ये लो पैसे, वो कहता है मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे एक वचन दो। कौन सा वचन? कि आज के बाद तुम खुद का काम खुद करोगे, किसी पर भी निर्भर नहीं रहोगे। जो भी छोटे छोटे काम हैं हमारे अपने अपने जीवन के, वो किसी और से करवाना। किसी को आदत है यहाँ पर भी बैग है, थोड़ा वहाँ लेके चलो, कोई सामान है यहाँ आ गए, यहाँ से कमरे तक बैग लेके चलो, आदत हो गई है, आदत पड़ गई है उसकी। तो जितना हो सके अपने सारे काम छोटे छोटे काम, नहीं तो उनकी भी एक आदत पड़ जाती है, वो भी अधीनता है, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। पैरासाइट जो होता है ना, दूसरे पर निर्भर करता है। तो हम जो जितना स्वावलंबी है वो उतना अधिक शक्तिशाली। सेल्फ रिलायंस, तो फ्रीडम अर्थात मुक्ति, बोझ से स्वाधीन, अधीनता से मुक्ति। अधीनता बहुत पीड़ादायक है, और किसी को अपने अधीन बनाना ये भी एक हिंसा है। हिंसा महाभारत में दिखा है, भीष्म पितामह क्या करता है जब बहुत घाव लग जाते हैं और जब उनको पता रहता है कि आज आखिरी दिन है, तो क्या करते हैं, अपने सभी दासों को बुलाते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं, दासता से मुक्ति। क्योंकि दासता बहुत बड़ा दुख है, किसी के भी अधीन न होना, किसी को भी अपने अधीन न करना, किसी को भी। और किसी को अपने अधीन कर उसको परेशान करना, ये तो बहुत बड़ा पाप जैसा ही है, विकर्म में आएगा वो। हम किसी के अधीन ना हो और दूसरे हमारे अधीन ना हो, ना मुझे कोई याद करे ना मैं किसको याद करूं। दादी जान की, कोई मुझे भी याद ना करे, कोई मुझे मिस ना करे, तो फ्रीडम, मुक्ति, आजादी, लिबर्टी। सारी लड़ाइयां किसके लिए थी? आजादी के लिए। क्रांति किस लिए हुई? आजादी के। विद्रोह किस लिए हुए? आजादी के लिए। मनुष्य के अंदर प्यास है, जब भी उसके जीवन में कोई व्यक्ति आता है और वह जरा भी अधीन होने लगता है, अंदर से आवाज उठती है कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति, आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम, सेल्फ रूल, स्वराज्य उसे हमेशा ही प्रिय। डाउन विथ इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद। फ्रीडम की चाह है, क्योंकि आत्मा हमेशा से मुक्त रही है, उसे मुक्ति में ही आनंद है। जैसे ही मुक्ति की जगह और कुछ आने लगता है, कोई भी इच्छा, कोई भी बंधन आने लगता है, किसी भी तरह का, कितना भी अच्छा बंधन, अंदर से हलचल होती है, विद्रोह हो जाता है, बेचैनी आती है। ऊपर से सब कुछ निभा रही है आत्मा, पर उसे पता है वो बंधन में है। जब तक वो मुक्त नहीं, तब तक वो खुश नहीं। अति इंद्रिय सुख, आज की मुरली में कल भी था, वो अधीन जहां पर भी होगी, अंदर से आवाज उठेगी कि तोड़ दो सारे बंधन, मुक्त हो जाऊं। उसे उसका स्वभाव ही नहीं है, बंधन उसका स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव मुक्ति है। फिर वो कितनी भी अच्छी इच्छा हो, कुछ भी आ जाए इधर, वो बेचैन करती है उसको, या तो पश्चाताप, या तो आत्मग्लानी का अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस लाएगी। हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट भी अच्छी इच्छा हो मुक्ति के बीच में, तो भी उसको दुख करेगी। जैसे भक्ति
भक्ति करते करते भक्तों को किसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है? साक्षात कोई इच्छा, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति। भक्ति करते करते मुक्ति की इच्छा हो जाती है कभी कभी, मुक्ति की इच्छा करते करते भक्ति कभी बीच में आ जाती है। ये दोनों ही स्थिति में बेचैनी होती है उसको। तो क्या करना है? मुक्त। दूसरा, जो मुक्त है वो हल्का, जो जितना हल्का, जो जितना भारी, शरीर से भी भारीपन, मन से भी भारीपन, बुद्धि से भी भारीपन, संस्कारों में भारीपन, स्वभाव बहुत कड़ा स्वभाव है, झुकता नहीं है जो किसी के सामने। मैं की मटकी फोड़ी, दिल मक्खन मक्खन हो गया। मैं की मटकी फोड़ी और दिल मक्खन मक्खन हो गया। तो मैं जो है ये सबसे भारी करने वाला है। सबसे ज्यादा भारी क्या करता है? मैं। और जिसमें मैं जितना कड़ा है, दृढ़ है, वो उतना भारी रहता है। सो नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उस मैं की उसे निरंतर रक्षा करनी पड़ती है। इर्द गिर्द घूमते रहता है कि इस मैं को जरा भी आँच ना आए, किसी ने कुछ भी कह दिया इसको तो आग, तलवार, युद्ध। हल्कापन में सबसे बड़ी बाधा कौन है? मैं। उसके बाद में उड़ान। उड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? पंख। एक, उड़ने के लिए क्या चाहिए? आकाश तो है ही है, पेट्रोल। उड़ने के लिए, पंछी को उड़ने के लिए क्या चाहिए? पहले पंख, दूसरा उड़ने के लिए चाहिए पंख, दूसरा इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति उड़ने की, कि मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे उड़ना है, इच्छा शक्ति। तीसरा साहस, करेज चाहिए उड़ने के लिए। चौथा लक्ष्य। ओके, अगला उड़ने के लिए क्या चाहिए? हल्कापन। जितना जास्ती हल्कापन, जितना ज्यादा हल्कापन, उतना उड़ सकेंगे। उड़ने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता। कोई भी बंधन नहीं, कोई बेड़ी नहीं, कोई पिंजरा नहीं, कोई सलाखे नहीं, कोई डाली नहीं। और बंधन के लिए, उड़ने के लिए क्या चाहिए? वैराग चाहिए। जिस जगह से ही प्यार है, उड़ेंगे कैसे, कैसे छोड़ के जाएगा उस डाली को? तो वैराग भी चाहिए उड़ने के लिए। और क्या चाहिए? क्यूरियोसिटी, शौक उड़ना चाहिए। और क्या चाहिए उड़ने के लिए? और एक चीज चाहिए, आकाश। और एक चीज चाहिए। क्या चाहिए उड़ने के लिए? संगठन। संगठन में क्या? उड़ने के लिए क्या चाहिए? और माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगन तू भरमाया, देखी डाली देखे बात। प्रैक्टिस चाहिए। जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो उड़ नहीं सकता। दूसरा, दो पंछी एक व्यक्ति लेके आया राजा के पास, दोनों को, दोनों डाली पर बैठे, एक तो उड़ना सीख गया, दूसरा उड़ ही नहीं रहा है। तो जो उसको उड़ाएगा उसको बख्शी। सब कुछ किया गया, संगीत, नृत्य, डराना, धमकाना, पर वो उड़ा नहीं। और आखिर में एक किसान आता है, उसने क्या कर दिया? डाली को तोड़ दिया। जब आ बनी, खुद ही उड़ने लगा। तो वो भी चाहिए। जब मुसीबत आ पड़ती है, अपने आप सीख जाता है व्यक्ति। जब दे दिया जाए तुमको ये करना है, तो अपने आप सीखने लगता है व्यक्ति। पहले कभी किया नहीं था। यज्ञ में सारे लोग कैसे सीखे? काम दे दिया गया उनको, ये तुमको हिंदी टाइपिंग करनी है, आज तक कभी की नहीं। एक महीने में कैसे सीखे? 15 दिन में कैसे सीखे? एक नागपुर के पुष्पा रानी दीदी थे, 10 दिन में सीख गए टाइपिंग। 15 दिन का
टाइम दिया था बाबा ने, 10 ही दिन में सीख गए हिंदी नहीं सिंधी टाइपिंग, सिंधी लिखना या टाइपिंग। तो वो एक और एक चीज चाहिए और एक चीज चाहिए, इसी कविता में जो था द डिवाइन कॉल, एक आवाज, आवाज आ गई उसको, अब वो नहीं रुक सकता। क्लैप्स माय हैंड एंड कम, अंग्रेजी कविता है, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं जा रहा हूं, मुझे आवाज आ गई है द डिवाइन कॉल। जिसको ये मिल गया डिवाइन कॉल, वो नहीं रुक सकता, उसको तो जाना ही है, जाना ही है। आवाज आ गई उसको कहीं से कि उड़, पर इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है कभी भी आ सकती है, कभी भी वो कॉल आ सकती है। उसके बाद क्या कहा, सरेंडर, सरेंडर अर्थात समर्पण, समर्पण अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। जिसको हम समर्पण समझते हैं शायद वो समर्पण का अंश मात्र है, पर समर्पण बहुत ऊंचा है। समर्पण मौन है, समर्पण आंतरिक क्रांति है, समर्पण अव्याख्य है, अनस्पीकेबल, उसे बोला नहीं जा सकता, उसका संबंध बाहरी चीजों से बहुत कम है, ना तो किसी वस्त्र से उसका संबंध है, कपड़े, ना तो किसी बैच से उसका संबंध है, ना तो किसी स्थान से, हम यहां रहते हैं, हम वहां रहते हैं, कोई गृहस्थी में रहे, कहीं पर भी रहे। चौथा, किसी समारोह, समर्पण समारोह, ना तो किसी समारोह से उसका संबंध है, ना तो किसी स्थान से, ना किसी बैच से, ना किसी वस्त्र से। वो मन की स्थिति का नाम है समर्पण। तमिल में बहुत बड़े कवि थे वल्लवर, वल्लुवार, तमिल साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं ये। उनकी पत्नी थी वासुकी, जब उनकी शादी हुई और पहला दिन था और वो जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपने पति से कहा, पत्नी से कहा कि जब भी मैं भोजन के लिए बैठूं तो एक कटोरी पानी रखना और एक सुई। उसने ये नहीं पूछा क्यों रखूं, क्या जरूरत है, अभिप्राय क्या है, क्या करोगे, और वो जीवन भर वो रखती रही और उन्होंने उस कटोरी को कभी स्पर्श भी नहीं किया, ना ही उस सुई को। पर उसने, उसको जो आदेश मिला पहले दिन वो उसने जीवन पर्यंत निभाया, और जब मरणासन्न हुई, उसकी अंतिम घड़ी आई और वो मरने को थी, तो उसने अपने पति से पूछा, उसने पति ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा तो उसने कहा इच्छा तो नहीं, पर एक उत्सुकता है, एक जानना चाहती हूँ, उत्कंठा है, ये जो आपने मुझे कहा था पहले दिन एक कटोरी में पानी और सुई, वो किस लिए? समर्पण अर्थात ही अथाह धैर्य, अनलिमिटेड पेशेंस, यही समर्पण की परिभाषा है। समर्पण पूछता नहीं है, समर्पण ये नहीं कहता है क्यों, क्या, कैसे, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये ना पूछो क्यों, करो और मरो, ये है समर्पण। मर जाना ये समर्पण है, मरो हिजोगी मरो, ये मरण है मीठा। मृत्यु समर्पण अर्थात जीवंत मृत्यु, बाबा की भाषा में उसको क्या कहा जाता है, मरजीवा जन, डाइंग अलाइव इंग्लिश। कल इंग्लिश मुरली पढ़ी सबने, किस किस ने पढ़ी, रुको, आशीष भाई कितनी बार पढ़ी, नहीं कितनी बार पढ़ी नहीं, कितने शब्द निकाले, दो और किस किसने पढ़ी, कितने कितने शब्द निकाले, 50 शब्द निकाले, क्या बात है, वाह, उतना भी बहुत है, और किस किसने पढ़ी, सुखदेव भाई 12, अरविंद भाई, अच्छा पुराना रिवाइज किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे और पीछे क्या कहते हैं, आगे, आप हिंदी में क्या कहते हैं,
पीछे आपको टॉपिक दिया था सुशील, हाँ आगे दौड़ पीछे छोड़। और किसने कितनी बार पढ़ा नरेश भाई? 20 निकाले याद, वो छोड़ दो। और विठ्ठल भाई नहीं, 8 शब्द। और देवेंद्र भाई इंग्लिश मुरली पढ़नी है मन को नई दिशा देने के लिए, एक बार रोज की मुरली इंग्लिश में जरूर पढ़नी है, उसमें से शब्द निकालने हैं थोड़े। तो कहाँ थे हम? वासुकी, पेशेंस। सुई का आखिर क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैंने तुमको इसलिए कहा था कि भोजन करते करते यदि कोई चावल का दाना, चावल ज्यादा खाते हैं उधर, अगर गिर जाए तो वो मैं उसको सुई से उठाकर पानी में डालकर फिर धो के फिर खा लूं, इसलिए। पर तुम इतनी दक्ष थी कि तुमने वो कभी अवसर ही नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुमने इतना सब अच्छे से ध्यान रखा मेरा। ऐसी कहानी है, कितनी सत्य है पता नहीं, हो सकता है काल्पनिक भी है, क्योंकि ये जो वेल्लुवीर था इसका जो लिखा हुआ सबसे बड़ा ग्रंथ है तमिल लिटरेचर का, उसके प्रति भी लोगों के बहुत सारी मते हैं, उसने लिखा कि नहीं लिखा। एक इंग्लिश ऑथर ने इसके लिए लिखा है, इट्स अन बुक विदाउट एन ऑथर बट एन ऑथर विदाउट अ नेम। वो पता नहीं, कई लोगों का मानना है वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, कईयों का मानना है वो क्रिश्चियन थे, कईयों का मानना थे कि वहाँ पर उन्होंने सरमन ऑफ द माउंट सुना, मतलब अलग अलग धारणाएं हैं। तो ये जो कहानी है उनके जीवन की, हो सकता है काल्पनिक है, परंतु समर्पण का भाव है उसमें, उस स्त्री का, उस आत्मा का कितना समर्पण है। तो समर्पण प्रश्न नहीं पूछता। लास्ट, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है। आज की मुरली में कितनी बार आया, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, मुझे याद करो मुझे याद करो मुझे याद करो। तो एक ही रास्ता है ना, और कोई गली। तो ये कितनी बातें हुई? 5। और आज हम चर्चा मुख्य रूप से करेंगे मुक्ति पर, फ्रीडम। दूसरा बताया हल्कापन, उड़ना। उड़ने के लिए उस दिन अभ्यास हमने किया था। ये सारी अध्यात्म जो है, जब तक अध्यात्म, ज्ञान सुनना, क्लास सुनना, नोट्स लिखना, सब कुछ बुद्धि विलास है मात्र। ये सब चीजों का अनुभव जब तक देह के तल पर नहीं होता है, क्यों शरीर की स्मृतियां इतनी शक्तिशाली होती है अनुभव? क्योंकि वो शरीर के विकारों की स्मृतियां जो है वो जाती नहीं है। 10 साल विकारों से मुक्त रहने के बाद में भी अचानक एक दिन ऊपर आती है, क्योंकि उनकी स्मृतियां देह से जुड़ी है। इसलिए अध्यात्म भी जब तक देह के तल पर अनुभव ना होगा तब तक वो संस्कार नहीं बनेगा। सारे विकारों का अनुभव किस तल पर है? शरीर के तल पर है। और हमने अभी तक जो यात्रा की है वो कैसी की है? मन से, मन मनाभाव, वो भी राइट है। वैसे वास्तव में तो मन ही कंट्रोल करता है सबको, परंतु मुश्किल है, कठिन है यात्रा। एक दूसरी यात्रा भी है, शरीर से मन के तरफ की यात्रा, शरीर से मन के तरफ की यात्रा। तो उड़ने का अभ्यास कैसे करेंगे? अपने को देखना है तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, ट्रिपल लॉक, ट्रिपल लॉक अर्थात हाथ बंद, एक ही मुद्रा में स्थित, पैर बंद और आंखें बंद, स्थिर। ये भी नहीं कि मैं आत्मा हूं या मैं फरिश्ता हूं या सूक्ष्म शरीर, कुछ नहीं, केवल ये सोचना मैं उड़ रहा हूं, बस। उन्मुक्त आकाश में उड़ रहा हूं।
बादलों के ऊपर उड़ रहा हूं। हल्कापन, ओम शांति। फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, केवल मुक्ति, निर्वाण, निर्वाण, ये शरीर और ये आत्मा केवल इस देह से मुक्त हो जाए तो सारी व्यथाएं, सारे दुख, सारे संसार के बंधन अपने आप टूट जाते हैं, क्योंकि इस पिंड में सब कुछ समाया हुआ है। यह सारा संसार पांच तत्वों का है, यह देह भी पांच तत्वों का है। इस संसार से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थानों से वैराग लाने की आवश्यकता ही नहीं। इस देह से वैराग आ गया तो यह अपने आप छूट जाएगा। तो इस देह से कैसे वैराग लाए? ढेर सारी बातें हमें पता है, कुछ नई बातें हम देखेंगे। जो बातें हमें पता है, अगर हम देखें तो कम से कम 10 बातें हैं जो इस देह से हमें मुक्त कर दे। पहली 5 बातें हम सबको पता है। पहला, आत्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। दिन रात यही अभ्यास अगर किया जाए, आत्मा आत्मा आत्मा, आज की मुरली में आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है। हाँ, वो जब बच्चा है तो भाई भाई, स्त्री पुरुष शरीर में है तो भाई बहन, परंतु आत्मा जेंडरलेस। इसी का अभ्यास, ये सबसे कठिन अभ्यास है। पर क्यों? क्योंकि आत्मा लंबा समय तक देह में रही है, कूट कूट कर भरा हुआ है देह भान। देह में जरा चोट, जरा सा दर्द, एक उंगली में दर्द सारी दिनचर्या को हिला देता है। इस दर्द का ठंडी से कोई संबंध नहीं है, पर ज्यादा ठंडी लगने लगी है। इस दर्द का भोजन से कोई संबंध नहीं, पर अब भोजन 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 क्या करूं क्या नहीं, वही चिंता चालू है। इस दर्द से वो सारी चीजें, जो संस्कार दब गया था, खत्म हो गया था, मोह का, लगाव का, आसक्ति का, वो अचानक कहीं से बाहर निकल के आ गया। इसका उससे कोई संबंध नहीं, परंतु देह की सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला अभ्यास मुक्ति का, आत्म अभिमानी स्थिति, इसमें सब आ गया, फिर समान आ गया, सब कुछ ये सबको पता है। दूसरा, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस अर्थात परमात्मा याद। जितना उसकी याद में रहेंगे तो कैसा आत्मा देह, आप अपने आप शरीर भूलते जाएगा। याद में है, शरीर का भान ही नहीं रहा, कितना देर बैठे पता ही नहीं चला। तीसरा, प्रभु प्रेम। जैसे भगत क्या होते हैं, उन्हें परमात्मा का कोई परिचय नहीं है, परंतु प्रभु प्रेम में डूबे हुए, इतनी भक्ति, अथाह भक्ति, कुछ भी याद नहीं, कोई चीज की खबर नहीं है। प्रभु प्रेम देह को भुला देता है। चैतन्य महाप्रभु की 3 अवस्थाएं थी जीवन में,
एक वो अवस्था जिसमें वो कीर्तन कर रहे, संकीर्तन कर रहे, घूम रहे, भटक रहे यहां वहां, हरे कृष्ण करते हुए, वो एक अवस्था है जिसमें वो पूर्ण होश में है। उसके बाद एक दूसरी अवस्था आती थी जिसमें विरह होता था उनको, हे कृष्ण कहाँ है। अब वो गीत गाना वगैरह नहीं है, और विरह विछोह की अवस्था है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, कहाँ है वो, तड़पते थे। और तीसरी अवस्था उसमें तड़पना भी नहीं था, चुप समाधि में जैसे खो गए। उसमें कभी 3 दिन भी अपने कमरे में बंद रहते थे, पता ही नहीं कब 3 दिन गुजर गए। वो प्रभु प्रेम की अथाह अवस्था थी, अथाह प्रेम की अवस्था, मीरा की जैसी अवस्था बताइए, कुछ उसे भानी नहीं है, देह का क्या हो रहा है पता नहीं। तो प्रभु प्रेम भी क्या करता है, आत्मा को डुबो देता है प्रभु में और देह भान से मुक्ति दिलाता है। चौथा, विचार सागर मंथन। इसमें से कोई भी एक मेथड ली जा सकती है, या तो सभी एक साथ, सभी एक साथ लिए तो वैरायटी रहेगी। जरूरी नहीं है कि दिन रात याद ही करते रहो या दिन रात आत्माभिमानी ही बनते रहो, एक कोई भी मेथड संभव नहीं है, क्योंकि मन को क्या चाहिए, वैरायटी। अभी अभी मुरली, संडे वाली मुरली में कहा था ना बाबा ने, क्या पसंद करते हैं, आर्ट पुरानी है पर लोग क्या पसंद करते हैं, मॉडर्न आर्ट, उसके सामने तो ये लकीर है, पर यही पसंद करते। फैशन में क्या पसंद करते, लेटेस्ट क्या है। मन का स्वभाव है, उसको एक ही चीज अगर रोज रोज दे दो, उस दिन उदाहरण दिया था भिंडी की सब्जी, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन पति ने क्या कर दिया, उठा के फेंक दी उसको क्यों, अरे तुमको पसंद है ना। पत्नी का तर्क तो राइट है कि तुमको पसंद है, तुमको तो रोज खानी चाहिए। वो कहता है खाई तो रहा हूं छह दिन से रोज खा रहा हूं, तो आज भी खाओ, तुमको पसंद है, शी इज राइट। बट उसका भी तर्क है, कब तक। और इसलिए तो पति पत्नी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, उब जाते हैं। क्या चाहिए, नवीनता। तो नवीन अलग अलग मेथड्स ट्राई करते रहने हैं। इसीलिए विचार सागर मंथन का बहुत महत्व है। विचार सागर मंथन से विकर्म विनाश नहीं होंगे, विचार सागर मंथन से जरूरी नहीं कि अनुभव होगा ज्ञान का, परंतु हाँ ये बुद्धि विलास है, पर इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या हो रही है, बुद्धि को दिशा मिल रही है, बिजी रह रहे है कोई ना कोई अच्छी चीजों में। कल हमने 7 बातें देखी थी, मनन करो, नशा, खुशी, मुरली की मेमोराइज, किस किस ने मेमोराइज किया, पूरा के पूरा मेमोराइज कर लेना है, वरदान मेमोराइज कर दो, उत्तर प्रश्न मेमोराइज कर लो, कुछ कुछ चीजें ऐसी ऐसी पकड़ लो मुरली का, सीधा निकाल के उसको याद कर लेना, बहुत काम आएगी, अचानक कहीं ना कहीं काम आ जाएगी वो पॉइंट। तो विचार सागर मंथन करते रहना है, बीच बीच में चीजों को, जो चीजें दिख रही है उनको जोड़ते जाना है। ये जैसे ये मधुबन में कहीं पर भी घूम रहे, कहीं स्लोगन लिखा रहा, तो उसको पढ़ के ही क्या करना है, उस पर चिंतन करते रहना कि ये क्या लिखा है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो उस पर फूलों की, खुशियों की और शुभकामनाओं की वर्षा करे। इस पर सोचना है, क्या ये वास्तव में संभव है या बस थियरी है, और यह दिखने को सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बट ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और के लिए है। सोच कुछ भी, चिंतन, थोड़ा सा भी चिंतन जो है आत्मा को विकारों से ऊपर उठा देता है। पांचवा, सेवा। ये चिंतन करते करते भी क्या हो जाता है, अशरीरीपन आ जाता है, अगर गहराई में चले जाए आत्मा, इतनी गहराई में। जैसे एक मुरली पड़ी फर्स्ट राउंड, उस दिन भी कहा नक्की के 5 राउंड, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट राउंड लगाया क्लास सुना, सेकंड राउंड लगाया वो क्लास रिपीट किया, थर्ड राउंड लगाया उस क्लास को याद किया क्या था, फोर्थ राउंड लगाया अब उसके क्लास को भी याद नहीं करना है, क्योंकि क्लास जब सुना 2 बार तो सुना, तीसरी बार उसको याद किया, चौथी बार अब नए विचार चालू हो गए, और 5वां राउंड जो है वो उसमें तो उस क्लास का कोई लेना देना, अपने जीवन की बातें सामने आने लगी। जीवन के विकारों पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया जा सकता। अगर ये मैं सोचूं ये मेरा विकार है,
अभी मुझे इसको जीत के ही जाना है यहां से तो ये नहीं होगा सीधा, क्योंकि वो अलर्ट हो जाएगा। इसके लिए आक्रमण कहां से करना है? पीछे के दर्जे से, गनीमी मार्ग, पीछे के दरवाजे से आक्रमण करना है। गुरिल्ला अटैक, कॉट अनअवेयर्स, बिल्कुल वो जब सोया पड़ा रहा ना, तब जाके पीछे से छाती में छुरा घोंप देना, तब वो मरेगा। नहीं तो वो निरंतर अलर्ट रहता है, क्योंकि वो है सबकॉन्शियस माइंड में, और हम सारे पुरुषार्थ जो कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं। यहां पर प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, मधुबन में आ रहे हैं, भट्टिया कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यहां पर की हुई सारी प्रतिज्ञाएं, इसको कोई मतलब नहीं है, यहां तक पहुंच ही नहीं रहा है कुछ भी। तो यहां तक पहुंचने के लिए इनडायरेक्ट मार्ग, कोई ऐसा क्लास सुनो जिससे हमारे जीवन के किसी समस्या का कोई मतलब नहीं है। जैसे धनवान कैसे बने, अब यहां धनवान किसको बनना जो पूर्ण जीवन जिन्होंने दे दिया है भगवान की सेवा में, वो सुना, फिर दूसरी बार सुना, फिर तीसरी बार सुना, फिर सुनते 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 कुछ और ही बातें स्ट्राइक होने लगी, ये तो चला गया, और फिर सुनते सुनते सीधा सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश किया। सबकॉन्शियस माइंड में कोई और कारण से गए थे और देखा शत्रु बाजू में सोया पड़ा है, मार दो उसको वहीं पे। गए थे कुछ और काम करने के लिए, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड का एरिया है इसमें पहले तो पहुंच नहीं, ये जितने समान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये एक किक मारता है उसको, फुटबॉल की तरह दूर जाके गिरता है वो। तो सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? इनडायरेक्ट मार्ग, सीधा ये मेरा विकार है इस पर मुझे काम करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। अलग अलग मार्ग से जाओ, जैसे ये क्लास चालू है, यहां बैठे, हो सकता है हमारा जो कमजोरी है उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, पर ज्ञानियों के बीच, ज्ञान चर्चा के बीच बैठे बैठे अचानक स्ट्राइक हो जाएगा, इधर से उधर उत्तर मिल जाएगा वहां पर। तो विचार सागर, पांचवा सेवा, सेवा में बहुत बिजी हो जाना तो देहभान भूल जाता है, पर वास्तविक सेवा वो हो, अहंकारवादी सेवा ना हो, उसमें वो सारे कंपोनेंट्स हो, निमित्त भाव, वो सब, किसकी सेवा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो सारा, ये पांचवा, ये सबको पता है। अभी दो ऐसी मेथड्स है जिस पर हमको बहुत काम करना है इस देह से मुक्त होने की, वो शायद किसी भी मुरली में नहीं आई है, इनडायरेक्टली आई होगी पर डायरेक्ट कहीं नहीं आई है। छठवा, ब्रेथ, श्वास, तीन चीजें हैं, शरीर, श्वास, मन, मन कहो या आत्मा। हमने आत्मा पर बहुत काम किया है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, स्वमानों पर काम किया है, शरीर की मालिक हूं, आत्मा से शरीर को वश में करने का प्रयास किया है। एक दूसरी विधि भी है, यदि श्वास को वश में कर दिया जाए तो ये दो भी वश में हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा जुड़ा हुआ है। शुद्ध श्वास को देखना, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये जोड़ना नहीं, वो बॉक्स ब्रीदिंग अलग, वो भी नहीं, कुछ नहीं। तो देखेंगे मन कितना चंचल है, एक दो श्वास को देखा और तुरंत भाग गया अतीत में, तीन श्वास को देखा और तुरंत भविष्य में भाग गया। अभी अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि श्वास को देखना है, आ रहा है, जा रहा है, किस नासिका से आ रहा है और किस नासिका से जा रहा है, इस पर उससे कोई मतलब नहीं, किधर से भी आने दो, किधर से भी जाने दो, दोनों से आने दो, दोनों से जाने दो, चलेगा। पर देखना है कितना समय हम इसको देख सकते हैं और कितनी अंदर तक जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है। ये देखते देखते देहभान भूल जाएगा, स्टार्ट, ट्रिपल लॉक, और बिल्कुल ही श्वास महसूस ही नहीं हो रहा है तो एक दो श्वास, हार्ड ब्रेथ्स, थोड़े आवाज वाले, वैसा छाती हिलाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़े एक दो खाली, ताकि जिससे महसूस हो कि श्वास स्ट्राइक कर रहा है नासिकाओं को, स्टार्ट, और देखो मन कितना स्थिर रहता है। प्राणायाम नहीं करना है, ना ही श्वासों को नियंत्रण करना है, साक्षी भाव,
जैसा आ रहा है वैसा। शांत श्वास। ओम शांति। श्वास को देखने से क्या फायदा? धीरे धीरे श्वास को देखते देखते विकार दिखने लगेंगे, कुछ और होने लगेगा। एक एक घंटा इसकी अगर प्रैक्टिस की जाए तो धीरे धीरे क्रांति हो जाएगी, कहां से कहां पहुंच जाएगी चेतना, और इससे भी अधिक पावरफुल। ये तो शुरुआत थी। सातवां, शरीर को देखना। शरीर को कैसे देखेंगे? उस दिन भी बताया था, शरीर को देखना है। शरीर को देखते देखते विकारों दिखाई पड़ेंगे और विकारों से मुक्ति हो जाएगी। कैसे? अभी जैसे ही काम विकार उठता है, क्रोध उठता है, सबसे पहला परिवर्तन कहाँ आता है? श्वास में और शरीर में। शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, रक्त का संचार यहां वहां बह जाता है, बढ़ जाता है। यह है इंद्रिय, शरीर और उसकी इंद्रिया, आंखें, सारे अंग। यह है विषय वस्तु। विषय वस्तु अर्थात कोई भोजन, कोई भोग वस्तु, कोई व्यक्ति, किसी की देह, ये सारे वस्तुएं यहां पर। जैसे ही इंद्रिय का संबंध विषयों से होता है, इंद्रिय का संबंध विषयों से, दो प्रकार की चीजें उत्पन्न होती है, एक सुखद एक दुखद संवेदना। सुई किसी ने चुबा दी, आह क्या हुआ, दुखद संवेदना, यहां दुख उत्पन्न हुआ। किसी ने गुलाब जामुन दे दिया, आह सुखद संवेदना। एक सुखद एक दुखद। जो सुखद है उससे क्या उत्पन्न होगा? राग, वो और चाहिए। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से बात किया, आए बराबर हमारी तारीफ करने लगा, तुम तो देखते ही बिल्कुल योगी जैसे दिखते हो। अच्छा और क्या क्या दिखता हूं? तुम बोलते भी बहुत अच्छे हो। अच्छा और बताओ। कितनी गदगद गदगद होते लगता है, भाई ये आपका नंबर दे दो, ये लो नंबर, मेरा नंबर जरूर उठाना। सुखद संवेदना तो अटैचमेंट उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से। एक स्थान पर आए, बहुत अच्छा लगा, निसर्ग रम्य स्थान है, हमको यही हर हमेशा हर बार हम यहां आएंगे। बस ये चीज मुझे अच्छी लगती है, किसी को बोल दिया गए काम से, फिर वो भेजते रहेंगे, बंधन तैयार। इसके लिए कभी कुछ बोलना मत गलती से कि मुझे ये सब्जी अच्छी लगती है और वो सब्जी अच्छी लगती है, बोल दिया तो राग उत्पन्न होगा। और दुखद संवेदना है, किसी ने आके ऐसी निंदा कर दी, बोलते तो बहुत अच्छे हो पर प्रैक्टिकल में कुछ दिखाई नहीं देता जीवन में, ये भाषण विषण से कुछ नहीं होने वाला, बहुत झाड़ने वाले, भाषण झाड़ने वाले बहुत बैठे हैं, प्रैक्टिकल इधर देखो हम हैं, एकदम ऐसे व्यक्ति उधर से आ रहा है तो हम यहां से चले जाएंगे, पता नहीं और कुछ शिक्षा दे दे। शिक्षा बिल्कुल उसके अच्छी भी हो तो भी हमको उससे नहीं सुननी है, कोई और सुनाए तो हम मान लेंगे, उससे नहीं सुनेंगे। दुखद संवेदना है, उसने क्या दिया, उसका दुखद, तो उससे द्वेष उत्पन्न हुआ, डिसलाइक। तो सारा खेल राग और द्वेष का है, सारा खेल लाइक्स और डिसलाइक्स का है, सारा खेल आकर्षण और विकर्षण का है, सारा खेल अट्रैक्शन और रिपल्शन का है। सारे दिन भर यही उत्पन्न हो रहा है, सारे दिन भर आप देखो अपनी दिनचर्या। ट्रेन में आए, कोई बहुत अच्छी बात की, अच्छा लगा, उसका नंबर लिया, कोई अच्छी बात नहीं की उससे दूर, सुखद और दुखद। अब इस देह में ये संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है दिन भर। देह का चिंतन करना अर्थात इन संवेदनाओं को देखना,
ऊपर से चालू करना तो नीचे तक, और शरीर में देखते रहना क्या संवेदना है उत्पन्न, सेंसेशन, कैसे सेंसेशन। और जैसे एक चीज काम विकार क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि काम में व्यक्ति को सुखद संवेदना उत्पन्न होती है क्षण भर के लिए और सबकॉन्शियस माइंड के तल पर। इसलिए ऊपर से सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक ये प्रकट होता है, क्योंकि शरीर के तल पर अनुभव होता है, मन का खाली नहीं है वो, देह के तल पर है, साइकोसोमैटिक है वो, इसलिए छूट नहीं पाता है वो। मन से बड़े बड़े संकल्प और मुरलियां सब कुछ करने के बाद में भी नहीं छूटता वो, क्योंकि उसका संबंध नीचे से है, देह से, और हम देह को छोड़े हुए सारा काम मन के ऊपर कर रहे हैं। तो संवेदना सेंसेशंस शरीर के उत्पन्न, अच्छा ये सारे शरीर में दिन रात संवेदना उत्पन्न हो रही है, ये जो श्वास लिया, ये टच हुआ, ये भी एक संवेदना है। तो इस देह की सारी संवेदनाओं को देखना है, और जो दुखद है उसके प्रति साक्षी, और जो सुखद है उसके भी प्रति साक्षी, दोनों से कोई ये नहीं करना है ये विकार है बहुत, ये विकार बहुत खराब है और इस व्यक्ति से उत्पन्न है, इससे घृणा करो, इससे बात नहीं करेंगे हम, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। थोड़े देर के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, पर परमानेंट नहीं। ये चीज, ये व्यक्ति के संपर्क में आते ही क्रोध आता है हमको, उस व्यक्ति से ही दूर रहो। थोड़े समय हो सकता है पर कोई दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा, पर काम विकार वही रहेगा, क्योंकि काम हमने उस पे नहीं किया, काम करना है शरीर पर। तो फिर से अलर्ट होके बैठेंगे लॉक, और अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले मन को पूरे शरीर से घुमाना है। पहले मन जाएगा सिर पर, फिर चेहरे का एक एक अंग, फिर गला, फिर राइट आर्म दाया, फिर पूरी छाती, फिर पेट, फिर लेफ्ट आर्म, फिर जांग, फिर पैर। एक घंटा, इसको 6 घंटा, एक व्यक्ति था इसने इसको 22 घंटे तक किया, 8 घंटे तक बिल्कुल स्थिर होके बैठकर। और ये करते करते विदिन 15 मिनट्स एक ऐसी अवस्था आती है कि शरीर है ही नहीं, शरीर का चिंतन कर रहे हैं पर शरीर जैसे तरंग हो गई है केवल। और फिर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कहीं खुजली हुई, ये खुजली भी संवेदना है, अब खुजली करनी नहीं है, देखना है बस आंखें बंद करके, ये खुजली को साक्षी, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी। फिर यहां दर्द हुआ, फिर पैर में कुछ पसीना आ रहा है, कहीं और पसीना आ रहा है, कहीं खुजली, कहीं पसीना, कहीं बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। सुखद कुछ सूक्ष्म संवेदना है, कुछ स्थूल संवेदना है, कुछ स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट है, कुछ सुखद दुखद, प्रिय अप्रिय, जो कुछ है इस शरीर में हो रहा है। चालू ऊपर से करना है, आंखों को देखना, नाक को देखना, सूक्ष्मता से शरीर को देखना, शरीर के एक भी अंग छूटना ना पाए, और उसको जो कुछ उसमें उत्पन्न हो रहा है, उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही है, अचानक धड़कन बढ़ रही है, श्वास बढ़ रहा है, ऊपर से घुमाना है नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर एकदम फास्ट घुमाना है, पहले धीरे धीरे फिर एक साथ। ये सब अभ्यास को डेली करते रहेंगे तो धीरे धीरे विकारों से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आकर्षण कहाँ है हमारा, वो फीलिंग में, उस जैसे मेरा इसमें मोह है, इस व्यक्ति में, ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं है कुछ, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, ये शरीर में हलचल होती है और वो हलचल बहुत सुखद है, मेरा उसके साथ एडिक्शन हुआ है। वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, उसमें हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति आकर्षण नहीं है, आकर्षण मेरे ही अंदर है, मुझे शरीर के तल पर अनुभव हो रहे कुछ स्थिर। इसमें कमर जो है पूरा सीधा रखना है तो ही अनुभव होगा, अगर ऐसे बैठे वैसे बैठे, डायरी सब नीचे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हाथ में नहीं रहना चाहिए, इवन चश्मा भी बाहर निकाल के रखना है, चश्मा भी नहीं, चश्मे का क्या काम, आंख बंद कर रहे थे, किसको देखना दिखाना थोड़ी दे, कुछ भी नहीं। और अंग अंग से ना टच हो, किसी को हमारा शरीर टच ना करे दूर दूर, कपड़े भी टच ना हो, रिलैक्स होकर बैठेंगे पर अलर्ट, और अपने शरीर को सिर के सिरे से लेकर तो पैरों तक अंग अंग को देखना है और अनुभव करना है क्या संवेदना है। करना कुछ नहीं, केवल देखना, अगर कहीं दर्द हो देख के आगे चले जाना, कहीं खुजली हो रही है देखना है आगे चले जाना, करना कुछ नहीं, कहीं बहुत सुख अनुभव हो रहा है एकदम अशरीरीपन, उसमें भी आकर्षित नहीं होना है, आगे चले जाना, आगे 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 स्टार्ट।
कहीं सूक्ष्म संवेदना है, कहीं स्थूल है, साक्षी। कहीं हल्कापन, कहीं भारीपन। कहीं तनाव, कहीं खिंचाव, साक्षी। कहीं दर्द, कहीं खुजली, कहीं पसीना, कहीं सुन होना, कहीं पुलकन, कहीं धूजन, जो जैसा है वैसा ही देख रहे हैं। कोई भी सेंसेशन से न राग न द्वेष। सभी संवेदनाएं अनित्य है, नश्वर है, उत्पात और लय है, राइजिंग एंड फॉल। ओम शांति। तो इस देह को अंदर से, भीतर से देखना है। देह को देखते देखते विकार छूटते जाएंगे धीरे धीरे। बाकी चर्चा, तीन और मेथड है शरीर को भूलने की, उसकी चर्चा कल करेंगे। एक तो वैराग, भोजन और प्रकृति। प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, शरीर भूल जाता है। वैराग मन में लाओ, शरीर भूल जाता है। और भोजन को हल्का कर दो तो अपने आप सब, भोजन जितना भारी उतना देहभान। ओम शांति। मेरा जीवन तेरी शरण, 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 मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन,
मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, गड कूं और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, गड कूं और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही मां, पालू केवल तुझको ही मां, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो खुशमित मेरा आनंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन।